बाफ 2019 के अवार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो मतलब ये ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड है, जो मीडिया के लोग हैं, दूसरे बिजनेस के है, एकेडमी के है, फैशन के है, ऐसे कई क्षेत्र में काम करने वाले, जो फिल्म है इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको अवार्ड देने का फंक्शन आज यहाँ हुआ है और मुझे इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। मेरे हाथों से बहुत सारे लोगों ने अवार्ड ले लिया है, तो अलग अलग क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं, हम हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ज़रूर जो ऑल अवार्डीज हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारी नरेंद्र मोदी सरकार आपके साथ है, आपके क्षेत्र को डेवलप करने के लिए हमारी सरकार आपको पूरी मदद करेगी, और जिनको जिनका अवार्ड मिला है उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। रामदास जी, सर एक आखिरी सवाल, सर पिछले कई सालों से मैं आपको देखते रहा हूँ कि आप अक्सर इस तरह के कई प्रोग्रामों में आते हैं और सबका उत्साह वर्जन करते हैं, ये आपको कैसा लगता है, आप कैसे इतना समय निकाल पाते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से? अभी बिजी शेड्यूल में ना निकाल दें, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने पास आते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो अपना पॉलिटिकल करियर तो ही पॉलिटिकल हमारा काम होते रहता है, सोशल काम होते रहता है, लेकिन इसी तरह के बहुत सारे अवार्ड के फंक्शन दिल्ली में होते, मुंबई में होते हैं, और भी ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है वहाँ मैं जाता हूँ और लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करता हूँ और वो भी मुझे प्रोत्साहित करते हैं। सर दो शब्द डॉक्टर अनिल नायर के बारे में आखिरी। हाँ, डॉक्टर अनिल नायर जो इस प्रोग्राम का आयोजक है, अभी तक हमारे बीच में नहीं मौजूद है, वो निम्बालकर जी उनकी जगह पर। हाँ, उनके जगह पर निम्बालकर जी मौजूद थे, अनिल जी अभी तक आए नहीं है। हाँ नहीं, ठीक है, आए नहीं तो फिर वो नहीं आए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। डिप्लोमेटिक मिशन एंड वी आर डूइंग द सोशल एक्टिविटीज एंड इन इंडिया एंड we are already connected with the so many organizations in India, okay? तो हमारा एक्चुअली हमारा मेन मुद्दा है जो पीस एंड ह्यूमैनिटी के रिलेटेड, जो एक आदमी लोग को एक उसका बारे में अवेयरनेस देना, ह्यूमैनिटी और पीस के बारे में आदमी को ज़्यादा अवेयरनेस देना, ये हमारा मेन काम है। और हम लोग का जो एक्टिविटीज़ है, हम लोग इंडिया में अभी मेरा जो मैं अभी पिछले साल ऐसा दो तीन इवेंट किया था ऑनरी डॉक्टरेट का, जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का रिलेटेड हमने दो तीन ऑनरी डॉक्टरेट का फंक्शन किया था, इंटरनेशनल फैशन शो किया था, और हमारा जो ब्रांड है FMBF ग्लोबल एक्सेलेंसी, तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है, ये हम लोग ऑलरेडी अभी उसका अभी सीजन टू का जो प्रोग्राम है अभी आज बांद्रा में ही हो रहा है, और हम लोग ने कई लोगों इसका जगह ये जो ह्यूमैनिटी और पीस का रिलेटेड हम लोग ने बहुत जन का मोटिवेशन किया है, कई लोगों को डॉक्टरेट दिया है, कई फिल्म इंडस्ट्री, कई कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सबको हमने ऑलरेडी ऑनरी डॉक्टरेट एंड सोशल सर्विस के लिए मोटिवेशन किया है। और हमारा जो एक इंटरनेशनल फैशन मैगजीन है जिसे द निश, ये भी हम लोग इसमें इधर अभी लॉन्च किया है, ये हमारा एक मेन पार्ट है, ये मैगजीन भी फैशन रिलेटेड वुमन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग इसके लिए ये करता हूँ, तो इसमें भी हम लोग ने ऑलरेडी आने वाला टाइम है हर स्टेटों में एक मिस मैगजीन का रिलेटेड फैशन शो का, और इसमें कई मॉडल्स को डिजाइनर को इनकॉर्पोरेट करके रखने का प्लान है हमारा, ये सब हमारा फ्यूचर सेगमेंट्स है, फ्यूचर प्लान है। और सबसे बड़ा एक पूरा मीडिया को मैं एक बार सबको मैं ये कर रहा हूँ, एक सबसे बड़ा खुशी का खबर है, अपना यूनाइटेड नेशन का ब्यूटी पेजेंट ये हम लोग इंडिया में फर्स्ट टाइम करने वाले हैं नवम्बर को, दिस इज़ ए 1-10 मतलब दिसंबर नवंबर को ऑलरेडी होने वाला है ये जो ब्यूटी पेजेंट, तो इसमें 100 and more मॉडल्स पार्टिसिपेशन होने वाले हैं, और ये इंडिया का एक सबसे बड़ा फैशन शो का लेवल पे देख सकता हूँ इसको, ये हम लोग बम्बई में और दिल्ली में करने वाले हैं इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट यूनाइटेड नेशन का, इसका भी हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो आने वाले टाइम में हम लोग इसको भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने का, फैशन रिलेटेड बाकी जो हमारा फैशन मैगजीन और जो सोशल सर्विस में हमारा जो आने वाला जो इवेंट्स है FMBF फिल्म मीडिया बिजनेस एंड अकाडमी को यूनिक कंस्टिट्यूटिव लेके इवेंट, और उसमें अभी कैटेगरी अवार्ड्स हम लोग ये बार कैटेगरी अवार्ड्स दिया, और ये सब चीज़ को हम लोग आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और जो हमारा बाकी जो कंसल्टेंसी की तरफ से जो सोशल एक्टिविटीज़ को मोटिवेशन का कई चीज़ों को हम लोग करते हैं, हमारा जो आश्रम चलता है ऐसी कई चीज़ हम लोग उसके बारे में करते रहता है। सर आज आपके प्रोग्राम में रामदास यूएम में सर रामदास आठवले जी आए थे, आप भीड़ हो गई थी, लेकिन आप वो इतने व्यस्त आदमी को कैसे बुला लिया आपने? तो
हमारा जो आठवले जी, हमारा जो एक मित्र है हमारा, जो उनको हम लोग पहले से जानता हूँ ऑलरेडी, तो अभी एक्चुअली उनको मेरे को मेरा जो थोड़ा टाइम का वैसे मिस हो गया ऑलरेडी, लेकिन हमारे लिए उन्होंने बहुत वेट किया। ये एक एक्चुअली मैं उनको हमारा तरफ से हम सॉरी बोलता हूँ रियली। कुछ डॉक्यूमेंटेशन मुझे कलेक्ट करना था आउट ऑफ कंट्री का, इसके लिए मुझे आने के लिए थोड़ा लेट हो गया, तो ये एक ये हो गया हमारा तरफ, एक ये हो गया। थैंक यू, माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच ऑल मीडिया पर्सन, और स्पेशली थैंक्स टू अपना सिंह सर, आरुण सिंह सर, ओके, और बाकी लोगों सबको हमारा तरफ आने वाले टाइम में सब लोग मिलकर आने वाले टाइम में हम लोग सभी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर